यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी कि पॉट टैक्सी सेवा मुहैया कराने की योजना बना रहा है। यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पॉट टैक्सी चलाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई है और उसने परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक पॉट टैक्सी फिल्म सिटी सेक्टर 21 से शुरू होगी और सेक्टर 28, 29, 30, 32 और 33 से होते हुए नोएडा हवाई अड्डे तक जाएगी। अरुण वीर सिंह ने बताया कि नोएडा हवाई अड्डे से फिल्म सिटी की दूरी 6.5 किलोमीटर है। ग्रेटर नोएडा से नोएडा हवाई अड्डे तक प्रस्तावित मेट्रो मार्ग पर फिल्म सिटी के बाद अगला पड़ाव सीधे हवाई अड्डा है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी की वजह से आसपास का क्षेत्र पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित होगा, जिससे पर्यटकों का आवागमन काफी बढ़ेगा। इसे देखते हुए फिल्म सिटी से यीडा के सेक्टरों को जोड़ते हुए पॉट टैक्सी चलाने का फैसला किया गया है। सिंह ने बताया कि पॉट टैक्सी सेवा 14.5 किलोमीटर के क्षेत्र में मुहैया कराई जाएगी और 2025 तक शुरू होने का लक्ष्य है। परियोजना रिपोर्ट में पहले दिन से 8,000 लोगों के प्रतिदिन यात्रा करने का अनुमान है। इस 14.5 किलोमीटर के सफर को तय करने में 15 मिनट लगेंगे। उन्होंने बताया कि पॉट टैक्सी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और एक टैक्सी में 4 से 6 लोग बैठ सकेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा टॉय सिटी, अप्रैल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क आदि भी आसपास विकसित हो रहे हैं और इसे देखते हुए फिल्म सिटी से यीडा के सेक्टर्स को जोड़ते हुए पॉट टैक्सी चलाने का फैसला किया गया है। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके लिए प्लान तैयार कर रहा है। ये संस्था ही मुंबई और हैदराबाद में पॉट टैक्सी परियोजना पर काम कर रही है। कंपनी ने इसे बनाने के लिए 3 मॉडल सुझाए हैं। पहला मॉडल सरकार खुद से विकसित करे, दूसरा मॉडल निजी सहभागिता से बनाया जाए और तीसरा इसे बनाने की पूरी जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी जाए। पॉट टैक्सी को 2025 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट में फिलहाल ड्राइवर सहित ड्राइवरलेस पॉट टैक्सी दोनों का विकल्प दिया गया है। पॉट टैक्सी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इसकी एक टैक्सी में 4 से 6 यात्री बैठ सकेंगे। जितने यात्री होंगे उसके हिसाब से टैक्सी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नोएडा एयरपोर्ट तक भी डबल ट्रैक बनाने की तैयारी है। अभी ये मॉर्गन टाउन, मैसेडर सिटी, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट और सनचियोन सिटी यानी कि साउथ कोरिया में ही ये सुविधा मौजूद है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।